हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और फिलहाल आज बच्चों का जो स्कूल टाइम है ना, कितने बजे लगेगा अपना स्कूल? 10 बजे लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सभी बच्चे ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल लगेगा 10 बजे। और ये, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो गाइस, अभी दीपावली के काफ़ी दिन है बाकी, फिर भी देखिए ये यहाँ पे पटाखे छोड़ रहा है, देखिए सुबह सुबह। अरे तू, मैंने कहा ना डब्बा ले ले यार, तू कमाल का आदमी। देखिए गाइस, बाटी के नीचे पटाखा लगा रहा है, और यहाँ पे लगाया क्या, यहीं पे। देखिए गाइस, अभी ये बाटी, अरे फूट जाएगी बाटी यार, क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? कोई डब्बा और ले ले उधर के, यहाँ पे यहीं पे रोटी बना रहा है, यहीं पे पटाखे जला रहा है, बाटी के नीचे पटाखा लगा रहा है अभिषेक जोशी। क्या करें इसका, वहाँ पे बजाना है पटाखे सारे, ठीक है? यहाँ पे यहीं पे रोटी खा रहे हो, यहीं पे बैठे हो, कोई दिक्कत आ जाए फिर। खेत की तैयारी चल रही है, दादी आ चुके हैं खेत जाने के लिए, चाय पी रहे हैं, और माँ यहाँ पे कातर छोल रहे हैं, तैयार करें कातर। कातर की चटनी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और आटा लगा लिया यहाँ पे, मिस्त्री रात जागरण में गए हुए थे तो वो अभी तक सो रहे हैं, 8:30 हो गए अभी तक सो रहे हैं। दिन के 11 बज चुके हैं और फिलहाल खेत जाने की तैयारियां चल रही है। मैं खा रहा हूँ खाना, हल बनाया देखिए, रोटी और छाछ। तो खाना खाने के बाद खेत जाने की तैयारी है पूरी, और मिस्त्री भाई अपना काम करें लगे हुए हैं, पिताजी दुकान गए हुए हैं, और बाकी सारे खेत में हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। जी अपना बाइक, अभी चलते हैं खेत। सारी दुनिया है अलग, हम क्यों रहे साथ साथ। इस ट्रैक्टर के पीछे तो आग जल रही है, ये देख। खेत पहुंच चुके हैं और अभी हरा कटाई करेंगे पहले, उसके बाद नरमा चुगाई करेंगे। अरे खाना खा लो भैरो। खेत में आने के बाद एक पांड हरा चारा कर लिए, जो आप देख पा रहे हो। इसमें मेरा चार्जर है, वो देना बैग के अंदर, पावर बैग देना। फोन चार्ज लगा लेता हूँ गाइस, काफ़ी डाउन था सुबह, लगा नहीं पाया, कोई काम हो गया था। और वहाँ पे चुगाई हो रही है, नरमे की ट्रॉली अपनी वहाँ पे खड़ी है, वो खाना खा रहे हैं, हमने तब तक ये हरा चारा कर लिया। रख दे यहाँ पे, एक है सारा सा मैं को बताऊं। कोई मार ले तो गोली मार लो, तो उड़ेगा। अब क्या करा रहा है? 12:30 हो चुके हैं और तेज धूप के अंदर यहाँ पे देखिए नरमे की चुगाई कर रहे हैं। और नरमे की हाइट देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा हाइट है, ये देखिए। हाइट ज्यादा होने से यहाँ सांस लेना भी काफी मुश्किल है। और वहाँ पे भाई लगा हुआ है देखिए, इधर दादी लगी हुई है, सभी चुगाई करे नरमे की। और धूप इतनी ज्यादा है और दादी को पंखा चाहिए, दादी कह रही मुझे एसी लगवा दो। हेलीकॉप्टर पर पुगाए क्यों, बाढ़ आ गई ना यहाँ पे। डेढ़ बज गए, तीस तो लगे ही था, उड़ा लगे रोटी खा ली। दो बज गए गाइस, दो बाटी चाय पीनी पड़ी, फिर तो दो बज गए बिल्कुल। तो भाई थोड़ी चाय पी लेते हैं, बाद में पानी पियेंगे, सॉरी पहले पानी पियेंगे, बाद में पियेंगे, तो क्या पिए बंद है, पहले चाय पियेंगे फिर पानी पियेंगे। चाय किसने बनाई? दादी ने बनाई है, दादी ने काम नहीं, दादी तो भाई है, दोनों दादा ने मिलके बनाई है, दोनों दादा ने मिलके, एक दादी चीनी रेड़ी, दूसरी दादी गुड़ रेड़ी। और घर आएगा बस सत्रिया ने बताया नहीं, मैं का सत्री नीचे आ गया, कमला गली करते।
छतरिया दिखा दो दादी डंगो तो गाय सिर भिड़ गया ऊपर सिर भिड़ गया रेंज गई रेंज गई आली बात है चार बजे तो गए जी ये पूरा नरम है ना यहाँ ये लगभग सारा कंप्लीट हो गया है तो अब वहाँ पे जो दोबारा चुगाई वाला है ना उसकी चुगाई करेंगे अभी तो कुछ लोग चाय बना रहे हैं कुछ चुगाई करेंगे अभी भालाराम ने चादर उठा ली अपनी और आगे सर्दी लग रही है शायद चादर ऑर्डर की है अरे सर्दी किसको लग रही है चादर ऑर्डर की है ये कमाल हो गया घंटा दो घंटा तो रहे लिया फिर लिया तो भाई जी चाय बन चुकी है देखिए डोली के अंदर छान ली है सारी चाय चुगारे वहां पे लगे हुए ना उनके लिए चाय तैयार अभी रेडी रेड एकदम और नाश्ता वास्ता मैंने तो कर लिया गाइज और उनके लिए ले जा रहे हैं मैं तो खंड रोटी खा रहा हूँ प्लेट के मेरे लिए थोड़ी सी चाय उस गिलास में डाल देना ठीक है तू यहाँ पिएगी वहाँ पिएगी वहाँ इतनी चाय डालकर चली गई है ये ले जाओ वापस नहीं ले जाऊंगी गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं घर पर अपना बाइक तैयार एकदम और दादी आ रही है पीछे देख पा रहे हो आप और विष्णु की मम्मी रो आगे जा रहे हैं देखिए रोड के पास घर पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल पशु अंदर खड़े हुए हैं ना क्योंकि अभी आज जल्दी आए क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे ना तो अभी तक उनकी छुट्टी नहीं हुई है चार बजे हैं पशु अंदर खड़े हुए हैं इन्हें अभी बांध देंगे इससे पहले यहाँ पे तुड़ी वगैरह हरा चारा वगैरह डालेंगे माँ यहाँ पे काचरी तैयार करी आगे सर्दियों के लिए सर्दियों में काचरी बहुत स्वाद लगती है इनको सुखाया जाएगा काट के फिर इतनी स्वाद लगेगी सर्दियों में नज़ारा आ जाएगा भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सरसों की घाणी निकलवाने यानी तेल की ज़रूरत थी अभी तेल ख़त्म था तो ये देखिए ये मशीन चल रही है यहाँ पे यहाँ सरसों निकल रही है जो सरसों की जो खली है ना ये देखिए ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है पशुओं के लिए ख़ास तौर से जो दुधारू पशु होते हैं ना वो काफ़ी स्वस्थ रहते हैं इस खली से और यहाँ देखिए तेल का टी नीचे लगा हुआ है उसमें तेल डाला जा रहा है छान करके ऊपर से आ रहा है छन छन के और ये देखिए यहाँ से आ रहा है धीरे धीरे टपक रहा है यहाँ पे देखिए आप ये पूरा तेल है वो नीचे टीन में चला जाता है बाकी जो खली है वो निकल जाती है इसमें तेल और इसमें खली सरसों की और दाढ़ी भी बनवा के आ गया हूँ और फिलहाल पी रहा हूँ चाय चाय बन चुकी है पूनम पशुओं को पानी पिला रही है ये पशुओं को डाल दो स्नान करके अंदर क्या कुछ किया है कीचड़ मचा दिया यार भाई यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फिटिंग करी है पानी की नहीं चाहते कि और यहाँ से एक रुपये भी लेकर जाए सारे के सारे पैसे चाहे पानी के हो चाहे लाइट के हो चाहे लिपाई के हो चाहे चिनाई के हो सारे के सारे आपको चाहिए देख लो भाई ये लोग ऐसे लोग हैं टोटल काम खुद करते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं ना ऐसे ही करते हैं गाइस रात के 9:30 हो चुके हैं और मिस्त्री भाई तो अभी गांव गए लेट तक तो यहीं थे लेकिन बाद में पता नहीं कोई फ़ोन आया उनका अपने घर से तो वो चले गए अभी सुबह आएंगे और फिलहाल खाना खा रहे हैं हम आज आपने देखा होगा कि हम खेत में भी गए हुए थे और घर का जो दैनिक काम है वो आप देखते ही रहते हो आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।